हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें कि हम पीवाईक्यू करेंगे नीट के भी और क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड के भी, ताकि हमारी प्रिपरेशन पूरी 100% हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को किए हुए। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है, या जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी, जिसे इनहेरिटेंस भी आप कह सकते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, मैं अभी आगे बताती हूँ। एंड देन वेरिएशन, यानी हेरिडिटी और वेरिएशन की जब हम एक साथ स्टडी करते हैं तो उस साइंस को, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इसके बाद हम देखें व्हाट इज हेरिडिटी। ये एक ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, लेकिन ये किस प्रोसेस से होता है? उस प्रोसेस का नाम इनहेरिटेंस है, यानी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वी स्टडी अंडर जेनेटिक्स। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी ही हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या हो गया? इस ट्रांसमिशन को करने का तरीका। इट इज द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो इनहेरिटेंस ही बेसिस है हेरिडिटी का। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू भी इससे बन सकता है। अब चलिए वेरिएशन देखते हैं। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस बाय विच द प्रोजनी डिफर फ्रॉम ईच अदर। यानी कि एक प्रोजनी है, एक जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स से कितना अंतर है उसमें, और अपने भाई बहनों में इससे कितना अंतर है। यानी वो डिग्री ऑफ वेरिएशन जो है, जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ बिलोंगिंग टू सेम पेरेंट या बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। यानी हम डिफरेंसेस की भी स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में, और सिमिलैरिटीज की भी स्टडी करते हैं। सिमिलर कैरेक्टर जो पास ऑन हो गए हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हैं, उनकी स्टडी, और जो सिमिलर कैरेक्टर नहीं है उनकी स्टडी, उन दोनों की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। अब मैं कुछ जो हम लोगों के टर्म्स हैं, जो कि इसमें मेंडल ने यूज किए हैं, टी एच मॉर्गन ने यूज किए हैं, उन सारे टर्म्स को, पूरे चैप्टर के टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं कि वो क्या है, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिड क्या है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक सेल है, सेल में जो डीएनए फाइबर है और इसकी लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर है लगभग। ठीक है, न्यूक्लियस, इतना माइक्रोस्कोपिक सेल जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है। और उसका भी ये क्या है? न्यूक्लियस है। और उस न्यूक्लियस के अंदर भी इतना लंबा थ्रेड डीएनए फाइबर का। तो ये कैसे है? ये पैक्ड होता है, इसमें कुछ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसे इतना पैक कर देती हैं कि ये किसमें? क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है। ठीक है, यानी कि पैकेजिंग प्रोटीन्स कौन सी हुई? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो जब इसके सेल जब नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होता है, उस समय हम इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। लेकिन यही सेल जब डिवाइडिंग स्टेज में जाता है और इसमें क्या हो जाता है? कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, इसमें क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो फाइनली ये कैसा स्ट्रक्चर ले लेता है? एक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ये कितने होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है। यानी ये जितना भी थ्रेड है ये किसमें डिवाइड हो गया है? कंडेंस्ड होकर, सुपर क्वाइल्ड होकर किसमें डिवाइड हो गया? 46 क्रोमोसोम्स में हो चुका है। एक क्रोमोसोम में क्या होती है? दो क्रोमेटिड्स होती हैं और सेंट्रोमियर से ये अटैच्ड होते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें कि डीएनए फाइबर कैसा होता है, तो यहां पर देखिए डीएनए फाइबर है। ठीक है, ये डीएनए फाइबर है, यही डीएनए फाइबर क्वाइल्ड एंड सुपर क्वाइल्ड हो गया। यानी क्रोमेटिड किससे बना है? डीएनए से ही बना है। और किससे बना है? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना है, क्योंकि यही डीएनए पैक्ड किससे हुआ है? किसकी मदद से? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। तो ये जो डीएनए फाइबर है यही क्वाइल्ड एंड सुपर क्वाइल्ड होकर न्यूक्लियस में समाया हुआ है, तो इसे बोलते हैं क्रोमेटिड। और यही क्रोमेटिड जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाती है तो ये क्रोमेटिड्स एक स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं, जनरली ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ द एम फेज, माइटोटिक फेज में। तब ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। तो अगर हम डीएनए का एक फाइबर लें तो उसमें क्या है? डीएनए, डीएनए आपका फाइबर है जो कि आपका, ये प्रोटीन नहीं होगा, ये आपका होगा डीएनए फाइबर। ठीक है, ये डीएनए फाइबर है और ये किससे अटैच है? इसमें बीच बीच में आपको बीड्स लाइक अपीयरेंस मिलेगा, वो किसका मिलेगा? हिस्टोन प्रोटीन का। ये कितनी होती है? 8 हिस्टोन प्रोटीन है, जिसे कोर भी बोलते हैं, और जिसको रैप किसने किया है? डीएनए फाइबर को। और इस यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, यानी ये जो डीएनए है ये क्या है? आपका न्यूक्लिक एसिड है, और इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोसोम है, जो किससे बनी है? डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। अब इस फाइबर को अगर हम देखें, डीएनए फाइबर को देखें, तो ये कैसा है? वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था? ये डबल हेलिकल है, यानी दो थ्रेड एक साथ चलते हैं और ये दोनों थ्रेड आपस में अटैच्ड होते हैं। जैसे कि मैं बताती हूं, ये है आपका, ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि इस तरीके से बना हुआ है आपका। तो ये देखिए, ये कैसा है? ये किससे बना है? ये डीएनए फाइबर, ये तीन चीजों से बना हुआ है, राइबोस शुगर,
देन नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलके इसकी एक यूनिट बनी है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी ये डीएनए फाइबर किससे बना है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि मोनोमर यूनिट इसकी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और इसमें जो कोडिंग होती है वो क्या है, एक का ए एडीनाइन नाइट्रोजनस बेस, दूसरे वाले के थायमाइन से जाकर जुड़ जाएगा, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही कोडिंग है। ए टी ए टी ए टी सी जी सी जी सी जी, जैसे जो ये जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए कोडिंग। और यही कोडिंग क्या बनाती है, आगे चल के प्रोटीन को एक्सप्रेस करती है, यानी कि जो कोडिंग प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन बननी है उसकी कोडिंग कहां लिखी हुई है, इस डीएनए के अंदर लिखी है। तो अ पार्ट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, जीन। ये जब जीन खुल जाता है तभी ये एक्सप्रेस होगा, तभी इसके आगे की प्रोटीन कोडिंग वगैरह होगी। तो इस खुले हुए डीएनए को जो कि आपका अब फंक्शन करने को तैयार है, उसको क्या बोलते हैं, जीन। यानी जीन कहां प्रेजेंट है, जीन सभी में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट है, क्रोमेटिड में भी प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है। लेकिन जो फंक्शनल जीन है वो कहां प्रेजेंट है, वो केवल और केवल खुले हुए डीएनए में प्रेजेंट है, यानी ओनली इन डीएनए फंक्शनल जीन इज प्रेजेंट। एंड द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन कोड फॉर अ प्रोटीन और एक्सप्रेस अ कैरेक्टर, दैट इज नोन एज जीन। तो अब होप है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एलील क्या होते हैं। एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और होते कहाँ हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम में, सेम लोकस में होते हैं। लोकस वो पोजीशन है जहां पर ये जीन या एलील सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब पूछिए होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो कि जैसे एक पेरेंट, जब आपका प्रोफेज मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज आती है तो एक मदर से और एक फादर से क्रोमोसोम्स आते हैं, और इन क्रोमोसोम्स में पेयरिंग सिनेप्सिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये पेयर बनाते हैं तो इनको ये कैसे होते हैं, सेम साइज के, सेम शेप के, और नंबर ऑफ जीन्स भी इनमें सेम होते हैं, सेम लोकेशन पे होते हैं, इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और इनमें जो है जो जीन है वो लोकेटेड कहाँ है, ये तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। जैसे ये ब्लैक कलर ऑफ आई को कंट्रोल कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ब्लू कलर ऑफ आई को कंट्रोल करता है। यानी कि ऑन वन होमोलोगस पेयर नंबर ऑफ ट्रेट फॉर वन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे आप ब्लू कलर भी हो सकता है और ब्लैक कलर भी हो सकता है, तो मैक्सिमम कितने ट्रेट एक ऑर्गेनिज्म ले सकता है, दो, और मिनिमम कितना, एक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि ये होमोलोगस पेयर है और किसी पर्सन की ब्लैक आई है, तो कैसे हो सकते हैं, दोनों में इसके क्या हो सकते हैं, होमोजाइगस ये बी एल ई हो, ठीक है। अब जैसे सेकंड है, इसमें क्या है, इसमें हो सकता है कि एक ब्लैक आई का हो और एक ब्लू आई का हो, क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है तो पर्सन की आंख ब्लैक हो। ऐसे तीसरी भी चीज हो सकती है कि दोनों ये रिसेसिव कैरेक्टर ट्रेट्स हो, दोनों ही ब्लू हो और पर्सन की आंख ब्लू हो। यानी एट अ टाइम दो ट्रेट्स के जो एलील हैं वो देख सकते हैं एक पर्सन में। अगर इन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम मेनी जीन्स आर प्रेजेंट, एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, ये कैसे प्रूव होता है, देखिए क्रोमोसोम नंबर तो 46 है जबकि जीन के नंबर जो है 30,000 के करीब है, यानी एक क्रोमोसोम में बहुत बहुत सारे जीन्स लोकेटेड है, ठीक है। मल्टीपल एलील अगर हमको देखना है कि आई कलर, जैसे बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, ब्लू ब्लैक ब्राउन, है ना, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स किस में हम कंसिडर, एक पर्सन में तो दो ही कलर ट्रेड्स आ सकते हैं, एलील आ सकते हैं, लेकिन अगर हमें कई सारे मल्टीपल एलील्स देखने हैं जो कि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो वो पूरी पॉपुलेशन उस स्पीशीज की लेनी होगी। किसी की ब्लैक कलर है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रे कलर है, तो इस तरीके से हम उसको करते हैं। यानी मल्टीपल एलील किस में देखा जाता है, पॉपुलेशन में। वैसे एक ऑर्गेनिज्म में कितने एलील्स होते हैं, टू। तो अब हमने देखा कि ये क्या है, ये डीएनए का फाइबर है, इसमें जीन्स लोकेटेड हैं। ये जीन्स क्या है, ये जीन वो जीन है जो कि कोड करेंगे, किसको कोड करेंगे, प्रोटीन की कोडिंग है इसके अंदर, मैंने बताया ना नाइट्रोजनस बेसिस जैसे होते हैं। तो अब ये जो जीन है ये कैसा हो गया, फंक्शनल जीन हो गया। तो द पार्ट ऑफ डीएनए विच इज फंक्शनल और विच इज अ जीन, इट इज नोन एज सिस्ट्रॉन। वो पार्ट डीएनए का जो कि फंक्शनल है, जो किसी प्रोटीन को कोड करेगा, उसे क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। तो एक डीएनए में बहुत सारे जीन हो सकते हैं, तो जीन लोकेटेड ऑन डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम सभी में होते हैं, लेकिन जो फंक्शनल जीन होता है वो किसमें और किसमें, केवल डीएनए में होता है, उसे सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुलेगा तभी आगे के लिए प्रोटीन कोड करेगा, ठीक है। अब क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में तो ये अंदर बंधा हुआ है, ठीक है, बिकॉज द डीएनए शुड ओपन टू परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस एंड फंक्शन एंड कंट्रोल द कैरेक्टर ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए या न्यूक्लिक एसिड से बना है, दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एक डीएनए और एक आरएनए, उसी से क्रोमेटिन बनता है, उसी से क्रोमोसोम बनता है। मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिन किससे बनता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और ये फंक्शन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की तरह काम करता है, ये इसका फंक्शन हो गया। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो केवल 2% फंक्शनल है डीएनए, बाकी 98% नॉन कोडिंग जंक डीएनए बीच बीच में आता है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन, इसको बोलेंगे इंट्रॉन,
इसको बोलेंगे एक्सॉन, इसको बोलेंगे इंट्रॉन, इसको बोलेंगे एक्सॉन, इसको बोलेंगे इंट्रॉन। यानी इंट्रॉन वो पार्ट होता है जो कि किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा, और एक्सॉन वो पार्ट होता है डीएनए का जो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि जो भी जितने भी कैरेक्टर हमारी बॉडी में है वो सब किसकी वजह से है, वो जीन की वजह से है। क्योंकि एक कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है, एक जीन कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मोर देन वन टाइप ऑफ, जैसे कि कैरेक्टर तो आई कलर हो गया कंट्रोल बाय अ जीन, लेकिन इसके बहुत सारे वेरियंट कैरेक्टर के, वो क्या उनको क्या बोलते हैं, ट्रेट्स, यानी वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज ट्रेट, जो कि कौन कंट्रोल करता है, एलील कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये ट्रेट्स कैसे भी हो सकते हैं, ग्रीन ब्लू ब्राउन आई ब्लैक आई कैसे भी आई हो सकती है, तो यानी ये मल्टीपल एलील कंट्रोल करते हैं और ये पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज में चेक किया जाता है। नाउ वी चेक कि कौन कौन से हमने कर लिए हैं। जैसे कि हमने जीन कर लिया, तो व्हाट इज जीन, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसे सिस्ट्रॉन बोलते हैं, विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन दैट डिटरमाइंस अ बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल है। जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन क्या है, इक्विवेलेंट टू फैक्टर ऑफ मेंडल। मेंडल को जीन टर्म नहीं मालूम था, लेकिन वो जानते थे कोई फैक्टर ऐसा है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है। तो इस डेफिनेशन को हमें अच्छे से करना है। देन कम टू एलील, व्हाट इज एलील, जिसे एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं। ये क्या है, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ही है, ये जीन ही है, उसको अल्टरनेटिव फॉर्म है, ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस लोकस। यानी कि अगर ये, जैसे कि मैं पहले भी आपको अभी बता चुकी हूं, मान लीजिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और इसमें अगर टॉल प्लांट का जीन यहां पर लोकेटेड है एलील, तो दूसरे का यहीं पर लोकेटेड होगा, यानी सेम लोकस पे होगा। ठीक है, अफेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक इन टू अल्टरनेटिव वेज। यानी एलील किसको कंट्रोल करते हैं, ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, और जीन किसको करता है, एक हाइट को, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। व्हाट इज लोकस, लोकस फिक्स पोजीशन है, प्लेस है क्रोमोसोम की, दैट इज ऑक्यूपाइड। तो लोकस क्या है, लोकस फिक्स पोजीशन है या प्लेस है क्रोमोसोम की, जो कि जीन ऑक्यूपाई करता है या एली ऑक्यूपाई करता है एक क्रोमोसोम में। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी एक क्रोमोसोम में जिस लोकेशन पे है उसे लोकस बोलते हैं। अब करेक्टर और ट्रेट क्या है, कोई हेरिटेबल फीचर जो कि इंडिविजुअल का है, जो वो करेक्टर जो कि हेरिटेबल और अधिकतर सभी ही है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। और वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेक्टर है जो कि डिटेक्टेबल वेरियंट देखा जाए तो करेक्टर के, तो वो कैसे, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ। तो स्टेम हाइट, यानी हाइट क्या हो गई कैरेक्टर, एंड ट्रेट क्या हो गया टॉल एंड ड्वार्फ। नाउ मूव टू व्हाट इज फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, जो बाहर से देखने में हमें दिखाई देता है, जैसे कि आपका एक्सप्रेस कैरेक्टर ऑब्जर्वेबल, कोई टॉल है तो टॉलनेस क्या है उसका फिनोटाइप है, कोई ड्वार्फ है तो ड्वार्फ क्या है उसका फिनोटाइप है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर विच आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड, जैसे टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट, ये सारे क्या है, फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है, उसके अंदर का जेनेटिक मेप। तो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप वो कैरेक्टर है, वॉट इज जीनोटाइप, जीनोटाइप इज अ जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अंदर से उसका जीन कैसे अरेंज है उस एक करेक्टर के लिए, ये हो गया आपका जीनोटाइप। जैसे कि कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटरोजाइगस टॉल हो गया। बाहर से देखने में दोनों टॉल हैं, लेकिन अगर अंदर से इनका जीनोटाइप देखें तो डिफरेंट है। इसी तरीके से होमोजाइगस ड्वार्फ जो है वो दोनों इसमें स्मॉल टी हो गए। अब होमोलोगस क्रोमोसोम, मैं पहले बता चुकी हूं, वो क्रोमोसोम कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर जो क्रोमोसोम के हैं, जिनमें एक मदर से आया है एक फादर से आया है, उनका सेम साइज है, स्ट्रक्चर है, काइंड ऑफ जीन्स भी एक ही जगह प्लेस है, उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आ जाते हैं एलील और जीन में। एलील क्या है, जीन कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म्स फॉर अ कैरेक्टर, दैट आर कॉल्ड एलील, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। और जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कि पास डाउन होती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, गैमेट्स के सक्सेसिव जनरेशन में, और ये इन्हें जीन बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्रिगर जॉनन मेंडल के केस में। ग्रिगर जॉनन मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये फर्स्ट जेनेटिसिस्ट थे जो ऑस्ट्रियन मॉन्क के थे, इसके बाद डिफरेंट जगह वो स्टडी करने भी गए और वापस मॉन्क में आए, और वहां पर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया जहां पर गार्डन था, और उस गार्डन में गार्डन पी थे जिसको कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बनाया। तो ग्रिगर जॉनन मेंडल वॉज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द साइंटिफिक बेसिस। चलिए ग्रिगर जॉनन मेंडल के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि इससे पहले, मेंडल से पहले प्री मेंडेलियन साइंटिस्ट जो थे वो बोलते थे ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स यानी जो भी ट्रेट्स हैं जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं तो ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जबकि ग्रिगर जॉनन मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए और उसमें क्लियरली बताया कि कोई भी कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो इनको बोला गया, फर्स्ट जेनेटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क के थे, और क्या थे ये ग्रिगर जॉनन मेंडल, फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द साइंटिफिक बेसिस, इन्होंने बताया था इनहेरिटेंस और वेरिएशन का, इन्होंने कंडक्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट।
हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं, जिसमें अपनी चॉइस के पॉलन ग्रेन्स हम स्टिग्मा में रखते हैं, ठीक है, सर पॉलिनेशन की जगह क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें भी मैस्कुलेशन टेक्निक करके, यानी कि एंथर को रिमूव करके अपने इच्छा से अपने चॉइस का हम जो है पॉलन ग्रेन लाते हैं। वर्क एक्सपेरिमेंटेड ऑन पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम जो है गार्डन पी है, एडिबल पी, ये पी आप इस तरीके से देखेंगे, एक जो चने आते हैं, एक तो छोला आता है, छोले के जैसे छोटे छोटे जो चने होते हैं जो हम चाट वगैरह में जाकर खाते हैं बाहर, वही चने जो है हमारे गार्डन पी होते हैं। इसमें इन ये गार्डन था इनके जहां पर मॉन्ग था उसके बगल में ही, तो वहीं पर इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 7 साल इनका एक्सपेरिमेंट किया था, और जो भी इनके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनको उन्होंने पेपर में नोट डाउन किया था उनके रिजल्ट को। 1856 से 1863 तक ये नीट में पीआईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें इतने दिनों तक इन्होंने किया, इतने सालों तक, यानी 7 ईयर्स तक किया। ये पी प्लांट जो था वो क्या था, 14 क्रोमोसोम थे और डिप्लॉइड प्लांट था, और ये इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मेन रीजन क्या थे इनके सिलेक्टिंग गार्डन पी फॉर एक्सपेरिमेंट्स, जो मेन रीजन क्या थे गार्डन पी के, ये इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, जैसे एक टॉल, एक डॉफ, एक वायलेट फ्लावर का है, एक दूसरा व्हाइट फ्लावर का है, ठीक है, इस तरीके से था। फिर इसके बाद इनको शॉर्टर लाइफ स्पैन था इसका, तो एक ही साल में 2-3 जनरेशन देख ले पा सकते थे। प्रोडक्ट लार्ज नंबर ऑफ सीड्स निकलते थे इनके एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और ये बर्ड पॉलिनेशन को शो करता है, जो बर्ड पॉलिनेशन होती है यानी बर्ड के अंदर ही पॉलिनेट एंथर स्टिग्मा पॉलिनेट हो जाते हैं। इस तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन इनमें होता है, लेकिन अगर ये प्रीडोमिनेंट है, लेकिन आप इजिली इसके प्योर लाइन लेने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका क्रॉस पॉलिनेशन करे तो वो भी ये इस फ्लावर में पॉसिबल था। तो मेंडल ने सिलेक्ट किए 7 कैरेक्टर्स जो कि 14 ट्यूब ब्रीडिंग ट्रेड्स थे, यानी वेराइटीज थे, 7 कैरेक्टर्स के दो दो अगर हम मिलाए तो 14 वेराइटीज थी। अब हम आते हैं रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल की सक्सेस का क्या रीजन था। पहला तो मेंडल ने जो स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई किया था, मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई किया था एनालाइज करने के लिए रिजल्ट को। दूसरा, इन्होंने स्टडी और कंसिडर किया था 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, एट अ टाइम ये एक ही कैरेक्टर को कंसिडर कर। अब हम देखते हैं कि और क्या किया था इन्होंने, लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया था, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्होंने फॉर्मुलेट करी थी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिए थे अपने ऑब्जर्व रिजल्ट को एक्सपेरिमेंट्स के, और एक्यूरेट रिकॉर्ड को इन्होंने मेंटेन किया था, और इन्होंने इनको एक पेपर में पब्लिश किया था जो कि मेंडल का वर्क 1865 में पब्लिश हो गया था। लेकिन इनके काम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो सब डार्विन के कामों को देख रहे थे, यानी इवोल्यूशन की थ्योरी में व्यस्त थे, और इन्होंने अपना काम अहेड ऑफ टाइम दे दिया था। उस समय ये सोच पाना कि बायोलॉजी में मैथमेटिकल एप्लीकेशन को अप्लाई करना, मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई करना, बिल्कुल भी साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जो भी ये बता रहे थे कि फैक्टर होते हैं वो दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, ये उस समय अहेड ऑफ टाइम था, तो साइंटिस्ट ने इसको खारिज कर दिया, इसको नहीं किया। और तीसरा कारण ये था कि इन्होंने जिस पेपर में पब्लिश किया था वो एक ऑब्स्क्योर जर्नल था, वो जाना पहचाना नहीं था, तो ज्यादा लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं। तो ईयर ऑफ रीडिस्कवरी, फिर 3 अलग अलग साइंटिस्ट 1900 इनकी डेथ के बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट जो थे जिनका कि इनके वर्क को रीडिस्कवर किया था, कार्ल कॉर्नस थे, डी राइस थे और वॉन टेस्टमार्क थे। तो इन्होंने 3 साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट भी पूछे जाते हैं, इन्होंने जो है इन मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था 1900 में। ये कब पब्लिश हुआ था, 1865 में इनके काम को पब्लिश किया गया था। अब हम लोग चलते हैं आगे, मेंडल ने कौन से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट के, गार्डन पी प्लांट के लिए, वो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिया प्लांट हाइट, उन्होंने देखा कि 2 तरीके के प्लांट दिख रहे हैं, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। जब इसका हाइब्रिडाइज करा के देखा, जब इसके पोलन ग्रेन इसमें इसकी स्टिग्मा में डालकर देखे, तो इन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन थी, जो पहली जनरेशन थी, उसके सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। इसका मतलब ये कैरेक्टर कैसा हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो टॉल इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर था और ड्वार्फ जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर था। दूसरा, उन्होंने फ्लावर देखा कि फ्लावर की पोजीशन भी अलग अलग है और फ्लावर के कलर भी अलग अलग हैं। तो फ्लावर की पोजीशन उन्होंने इस तरीके से देखी कि ये जो फ्लावर पोजीशन है, ये डोमिनेंट पोजीशन इसकी एक्सियल थी, ना कि टर्मिनल, और टर्मिनल इसकी रेसेसिव कंडीशन थी। फिर इन्होंने देखा कि फ्लावर का कलर कैसा है, इन्होंने देखा वायलेट कलर के भी फ्लावर थे और व्हाइट कलर के फ्लावर थे, और इनमें डोमिनेंट कौन था, इन्होंने चेक करके देखा F1 जनरेशन, तो वायलेट कलर निकल कर आया। फिर इन्होंने देखा सीड की शेप जो है वो अलग अलग थी, राउंड और रिंकल थी, मुरझाया हुआ, राउंड जो है, और दूसरी चीज थी कलर येलो सीड जो है वो डोमिनेंट था। ध्यान रखेंगे ये हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, सीड का कौन सा कलर डोमिनेंट था, येलो ना कि ग्रीन, और रिंकल जो है ग्रीन सीड थे, रेसेसिव वाले जो है वो आपके ग्रीन सीड थे। इसके बाद इन्होंने देखा पॉड के भी 2 चीजें थी, पॉड का जो है शेप कैसा है, इन्फ्लेटेड था, फूला हुआ था और कंस्ट्रिक्टेड था। ये तो जो फुल था वो जो डोमिनेंट था, और रेसेसिव वाला कंस्ट्रिक्टेड था, और ग्रीन कलर ऑफ पॉड, आप जो फलियां लेने जाते हैं छड़ छड़ के ग्रीन कलर की लेते हैं, भले अंदर से राउंड सीड निकला है येलो कलर का।
तो ये जो ग्रीन कलर था वो क्या है, डोमिनेंट, और कंस्ट्रिक्टेड में येलो कलर का पॉड आता है। ये अलग अलग क्रोमोजोम में थे, मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इस प्लांट के कितने हैं, 14 में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहां कहां पर है, 1 4 5 7, ये यानी 4 क्रोमोजोम में पूरे के पूरे ये आपको 7 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, तो इसको भी एक बार थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और इसको इसी समय सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन अ पी प्लांट वॉज स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं 7 कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन इज कंसिडर्ड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, सीड इन्होंने ग्रीन येलो लिया, पॉड इन्फ्लेटेड कंसिडर लिया, स्टेम टॉल्ड ऑफ लिया, लेकिन ट्रैकोम यानी ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर का कहीं कोई जिक्र नहीं था, तो ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज, देखिए मैंने दो बताया, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज क्या बताई, 14 बताई, और कैरेक्टर कितने थे 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ दिस गिवन बिलो इन द पीरियड ऑफ मेंडल हाइब्रिडाइजेशन, तो ये 217 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 1856 to 1863, यानी कि कितने ईयर 7 years इन्होंने काम किया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, इन इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, क्या नहीं यूज किया था, शीट शेप किया था, फ्लावर पोजीशन किया था, सीड का पॉड की लेंथ नहीं यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन गार्डन पी स्टडीड बाय द मेंडल वाज रिसेसिव फीचर, कौन सा, एक्सियल जो है डोमिनेंट है, येलो सीड कलर डोमिनेंट है, ग्रीन सीड कलर कैसा है, रिसेसिव है, ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट है, राउंड, यानी ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जीन्स कंट्रोलिंग द 7 पी कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो कितने क्रोमोसोम्स में था ये हम लोगों ने देखा था, 4 में था, किस किस में था, 1 में था, 4 में था, और 5 में था, और 7 में था, यानी 7 जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे इन 4 क्रोमोसोम में सिमट गए थे। टोटल कितने क्रोमोसोम थे इनके पास, कितने हैं, 14 है, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, ठीक है, मेंडलिज्म क्या है, विच कैरेक्टर शोज द डोमिनेंस, तो डोमिनेंस कौन कैरेक्टर शो करता है, टर्मिनल पोजीशन नहीं, एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट है, ग्रीन कलर सीड कोड नहीं, येलो कलर सीड कोड डोमिनेंट है, रिंकल्ड सीड जो है ये रिसेसिव है, और ग्रीन पॉड कलर इज द डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जेनेटिस्ट और फादर ऑफ जेनेटिक्स वॉज स्टडीड बाय, ये सब आंसर जानते हैं, दिस आंसर इज मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द मेंडल क्वालिटेटिव, अगर बेस्ट आंसर देखें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेड्स, हिज नॉलेज ऑफ बायोलॉजी कंसीडरिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम, इन्होंने एक कैरेक्टर एक टाइम पे लिया था, ये मेंडल के सक्सेस के रीजन में मैंने आपको करवाया है, तो दिस इज द बेस्ट आंसर। के क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे कि मेंडल 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड बताइए विद रिस्पेक्ट टू सीड पी प्लांट वेयर स्टडीड, यानी हमको सीड के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आप एक चार्ट बना लेंगे जिसमें एक तरफ कैरेक्टर डोमिनेंट और रेसेसिव लिख देंगे, सीड की शेप बताई थी राउंड एंड डोमिनेंट एंड रेसेसिव बता दिया, सीड का कलर बताया येलो एंड ग्रीन, इस तरीके के दो क्वेश्चन है, बल्कि 3 है, मैंने यहां 2 लिए हुए हैं, तो आप इन जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इनको ध्यान से कर लेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। मेंशन 2 कॉन्ट्रास्टिंग फ्लावर रिलेटेड ट्रेड्स स्टडी बाय मेंडल इन पी प्लांट, तो इसमें फ्लावर रिलेटेड है, तो फ्लावर का कलर और पोजीशन किया था वायलेट एंड व्हाइट एंड एक्सियल एंड टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन गार्डन पी प्लांट ए प्रोड्यूसेस इन्फ्लेटेड येलो पॉड एंड अदर बी प्लांट बी प्रोड्यूसेस द सेम स्पीशीज प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टेड ग्रीन पॉड जस्टिफाइड द डोमिनेंट रेट, तो आप जो डोमिनेंट आपको याद है उस हिसाब से चलेंगे, तो डोमिनेंट रेट पी प्लांट के कौन होते हैं, इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड, और रेसिसिटेट क्या आता है, कंस्ट्रक्टेड येलो पॉड, यानी आपको भ्रमित करने के लिए इस तरीके का शब्द देंगे, लेकिन आपको उसमें से चूज करके उनके इन डोमिनेंट कैरेक्टर्स बनाने हैं। अ गार्डन पी प्रोड्यूस एक्सियल व्हाइट फ्लावर्स एंड अनदर ऑफ द सेम स्पीशीज स्टडीड इन टर्मिनल वायलेट फ्लावर्स आइडेंटिफाई द डोमिनेंट ट्रेट, तो इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट एक्सियल वायलेट होगा और रिसेसिव ट्रेट आपका टर्मिनल व्हाइट होगा। तो ये पहला जो है चैप्टर इनहेरिटेंस का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस मैंने जो अपलोड किया है, ये 3 या 4 वीडियोज में आपका कंप्लीट होगा, 3 वीडियोज में कंप्लीट होगा, और इसे मैं नीट और बोर्ड लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगी, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, यानी दोनों चीजों की तैयारी हम एक साथ करेंगे।